सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सोगा। जैसा कि आपको पता है, रेडमी का A1 स्मार्टफोन जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके सारे स्पेक्स, प्राइस और साथ साथ आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करने का चाहे वीडियो को जुड़ जाए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स की बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, साथ साथ HD प्लस की जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इसमें आपके कैमरा की, तो रियर साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जो आपका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ साथ आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Helio A22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये कुछ इसके मेन फीचर्स थे। बात करें इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे रखी गई है 6500 रुपये। अब बात कर लेते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका बजट अगर बहुत ही कम है और आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज पर आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से कोई भी ब्रांड अपना स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा है, क्योंकि मिनिमम भी 7 से 7500 रुपये में कोई भी ब्रांड अपना स्मार्टफोन लॉन्च करता है। लेकिन रेडमी ने इस बार 6500 में अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। अगर आपका बजट इतना है बिल्कुल इसकी तरफ देख सकते हो एक बार। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी होगी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं।